नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जो सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल विद्युत चेकिंग अभियान को पूर्व विधायक ने उसमें खलल डाल दिया और पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने विद्युत विभाग की चेकिंग टीम को डांट फटकार कर वापस भी लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बातचीत कर लूंगा आगे, जिससे भी करनी होगी आप यहां से चले जाइए, चेकिंग करने का अधिकार नहीं है। विद्युत चेकिंग दल के एडीसीओ बोले कि एमडी का आदेश है, तो विधायक ने कहा हम बात कर लेंगे। तो हमेशा ये सुर्खियों में बने रहते हैं और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले चायल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय गुप्ता अपने दबंग रवैये की किरकिरी होने के चलते टिकट की दावेदारी खो बैठते थे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा 2022 में पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता का टिकट काट गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सपा से पूर्व सांसद फूलपुर रहे नागेंद्र सिंह पटेल को मैदान में उतारा था, जिसमें सपा की पूजा पाल ने 13,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो ये तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं, चेकिंग टीम यहाँ पहुंची है। नवरात्र का हवाला देकर उन्होंने चेकिंग टीम को वापस भेज दिया, कहा कि जिससे भी बात करनी होगी मैं कर लूंगा, आप यहाँ से चले जाइए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, पूर्व विधायक हमेशा से अपनी दबंगई दिखाते रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग की जो चेकिंग टीम थी उसको यूं रोकना और डांटना कहां तक सही है? देखिए, जो पूर्व विधायक हैं ये भारतीय जनता पार्टी से कभी विधायक ही थे और आज पूर्व विधायक हैं, तो जाहिर है नेतागिरी चमकाने के लिए अपना अपना स्टाइल होता है और पूर्व विधायक जी का भी एक अपना स्टाइल है। जब ये सत्ता में थे 2018 में, तब भी इनके एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें बिजली विभाग को धमकाते नजर आए थे। उन्होंने साफ कहा था कि आप विद्युत विभाग की चेकिंग जो है उस फला जगह पर या उस मोहल्ले में नहीं करें। तब भी इन्होंने एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें ये आरोप लगाया था कि एक समुदाय पर आप चेकिंग नहीं करते हैं, आप एक एक समुदाय में जा करके उन समुदायों के एक एक व्यक्ति के घर को चेकिंग करी, बिजली चोरी यही लोग करते हैं। और कल का जो वीडियो बताया जा रहा है एक दिन पहले का कौशाम्बी के चाय विधानसभा क्षेत्र में, ये इनको पता चलता है कि कुछ विद्युत विभाग की टीम जिसमें एसडीओ हैं, जेई हैं, तमाम लोग लश्कर के साथ पहुंचते हैं और बिजली चोरी के चेकिंग अभियान को रोकथाम के लिए, जो कि शासन से निर्देश है, खुद मुख्यमंत्री ने इस चीज को राजस्व को बढ़ाने के लिए घर घर चेकिंग चलाने के लिए कहा है, यहाँ तक कि नाइट शिफ्टिंग में भी चेकिंग चलाने के लिए भी कहा है। तो दिन में जब ये टीम पहुंचती है तो अचानक पूर्व विधायक संजय गुप्ता पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनको फटकारने लगते हैं और ये कहते हैं कि किस आदेश से, किसके तहत आपको चेकिंग का अधिकार मिल गया और नवरात्र में चेकिंग करने का आदेश कैसे मिला आपको? नवरात्र में कोई चेकिंग नहीं होती है और आपको क्या नवरात्र में टाइम मिल रहा है चेकिंग करने के लिए? आप जाइए यहाँ से। तो जब वहां पर मौजूद जो अधिकारी हैं एसडीओ, वो कहते हैं कि सर वो शासन से आदेश है और एमडी साहब का भी आदेश है, यानी कि चेयरमैन का। तो विधायक जी, पूर्व विधायक जी ये कहते हैं कि हम आपके एसी से बात कर लूं या कहिए तो हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद वो हवाला देते हैं कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कहा है। तो दानिश, ये पूरा मामला क्योंकि बहुत गर्मा गया है, वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, तो क्या कुछ एक्शन लिया गया है शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, कोई शिकायत दर्ज कराई गई बिजली विभाग के द्वारा? नहीं, देखिए अभी तक तो इस मामले पर न तो कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, ना ही इस मामले को मुझे लगता है गंभीरता से लिया गया। हाँ, ये अलग बात है कि पूर्व विधायक ने अपनी फेसबुक पर टैग करके पूरे पोस्ट किया गया है और बाकायदा ये तरीके से टैग किया गया है फेसबुक विधायक, पूर्व विधायक के द्वारा, कि जब तक मैं हूँ अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाता रहूंगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि विधायक के इसी रवैये के चलते इससे पहले जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जहाँ पर धर्म विशेष को लेकर के इन्होंने टिप्पणी की थी कि उस विभाग उन धर्म विशेष के लोग चोरी करते हैं उन पर कार्रवाई कीजिए और कल खलल डालना, इससे लेकर के बीजेपी ने 2022 के जो विधानसभा चुनाव था उसमें टिकट की दावेदारी को लेकर के इनको टिकट काट दिया गया था और ये जीते हुए विधायक थे, इसके बाद इनकी जगह पर समाजवादी पार्टी से जो सांसद रहे थे उनको टिकट दिया गया था। हालांकि भले ही भाजपा नहीं जीत पाई थी, समाजवादी पार्टी से पूजा पाल 13,000 वोट से जीती थी, लेकिन ये अक्सर विवादों में पूर्व विधायक संजय गुप्ता रहते हैं और संजय गुप्ता का यह पहला कारनामा नहीं, संजय गुप्ता के अब तक 3 कारनामे हो चुके हैं। कल का जो वीडियो वायरल हुआ है ये बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि शर्मनाक इस बात पर है कि एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री राजस्व को बढ़ाने के लिए बिजली की चोरी रोकथाम पहल के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और शासन के आदेश पर ये चैलेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शासन का आदेश है उसके बावजूद भी पूर्व विधायक ये समझने के लिए तैयार नहीं है, खुद को हीरो बनाने की कोशिश है या वाकई जनता की मदद कर सकते हैं या कुछ और माजरा है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपना अपना स्टाइल होता है, इन्होंने मौका देखकर, ये अवसरवादी नेता है, इन्होंने जिस तरीके से विद्युत विभाग की चेकिंग टीम को धमकाया है और उन्होंने अपने बात कह के धड़ल्ले से बोला है
कि हम बात कर लेंगे एसी से, हम बात कर लेंगे चेयरमैन से। अगर ये भाजपा के किसी संगठन में भी हैं तो उनको सोचना चाहिए कि सूबे की सरकार भी इन्हीं की है और मुख्यमंत्री भी इन्हीं के हैं और इन्हीं की सरकार के राजस्व को लेकर के चेकिंग है। तो जिस तरीके से इन्होंने चेकिंग अभियान में खलल डाला है तो राजस्व पे कहीं ना कहीं पलीता लगाया है और विद्युत विभाग की चोरी को इन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। तो ऐसे पूर्व विधायक पर क्या कार्रवाई होगी ये तो शासन तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, बिजली विभाग के वो अधिकारी तय करेंगे कि आज इस बात को लेकर खलल डाला गया। कल ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने एक मुद्दा बनाया है तो कि इस तरीके से क्या कि कानून व्यवस्था में भी खलल डालेंगे, यानी कि अगर कल पुलिस किसी को पूछताछ के लिए जाएगी तो भी पूर्व विधायक आ जाएंगे और बोलेंगे कि किसने आदेश आपको दे दिया। ठीक है दानिश, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे मामले पर, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शासन का आदेश था, बिजली विभाग पहुंचा चेकिंग करने के लिए, लेकिन पूर्व विधायक वहां आ धमके और बिजली विभाग की जो टीम थी पूरी टीम को डांटा फटकारा धमका दिया। जब अधिकारी ये कहने लगे कि हमें जो है ऊपर से ऑर्डर मिला है, तब पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि मैं सब देख लूंगा, आप यहां से निकल जाइए। देखिए अगर इन विधायक की हम बात करें तो हमेशा से ही दबंग इनका रवैया रहा है, हमेशा से ही दबंगी दिखाते रहे हैं। हालांकि किस तरह का एक्शन लिया जाएगा उसका इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।